प्यारे बच्चों, इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और ज़ेल के सवालात के जवाब क्या हो सकते हैं। पानी के टंकी के करीब भीड़ और हंगामा क्यों है? स्कूल में मौजूद सहूलतों का इस्तेमाल करते हुए किन उसूलों पर अमल करना चाहिए? स्कूल के नज़्म ज़ब्त पर हम और कहाँ अमल कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम सबको स्कूल पसंद है। स्कूल में लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम वगैरह सहूलतें होती हैं। हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन सहूलतों का फायदा सबको पहुंचना चाहिए। इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम सब उसूलों की पाबंदी करें। इन सहूलतों के इस्तेमाल के लिए कतार में खड़े रहें। लाइब्रेरी की किताबें वक्त पर वापस करें। किताबों के सफ़ात ना फाड़े ना इन्हें खराब करे। जमात के बेंच और दीवारें साफ सुथरी रखे। खेल खत्म होते ही खेल का सामान इसकी जगह पर रखे। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और मेरे सवालात के जवाब क्या हो सकते हैं? दोस्त आपस में क्यों लड़ते हैं? इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तुम क्या करोगे? जिसके साथ लड़ाई हुई है, सुलह हो जाने के बाद इसके साथ तुम किस तरह का बर्ताव करोगे? और लड़ाई खत्म करने के लिए क्या तुम अपने उस्ताद की मदद लोगे? प्यारे बच्चों, ये बात यकीनी है कि हमारी अपने दोस्त या सहेली के साथ लड़ाई हो सकती है। इस मामले को समझदारी और चैन व अमन के साथ सुलझाना चाहिए। तकरार में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लड़ाई में किसी को भी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मामला ना सुलझता हो तो उस्ताद की मदद हासिल करें। आपसी लड़ाई को अमन व सुकून के साथ निपटाने की आदत अच्छी होती है। इस आदत के सबब इज्तिमाई जिंदगी के मसले समझदारी के साथ हल किए जा सकते हैं। इज्तिमाई जिंदगी के मसाइल अगर पुरअमन तरीके से सुलझाए जाए तो हमारी बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखें और मुझे बताएं कि क्या आपके अतराफ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते? वो स्कूल क्यों नहीं जाते? प्यारे बच्चों, हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। स्कूल सबके लिए होते हैं। स्कूल की वजह से हमें सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत पड़ती है। तरह तरह के लोगों से हमारी पहचान बढ़ती है। स्कूल में हमें ये एहसास होता है कि
हम समाज का एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 14 बरस के कम उम्र के लड़के लड़कियों से कारखानों, कानों या दूसरी खतरनाक जगहों पर काम लेने पर पाबंदी है। सन ईस्वी 2006 के इस्तेहसाल की मुखालफत के हक की तौसी करते हुए बच्चा मजदूरी कानून की रूह से जुर्म करार दिया गया है।